डब्ल्यूटीसी फाइनल का मंच सज चुका है। साल का 2023 का अब तक का सबसे बड़ा मुकाबला जो तय करेगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन कौन है, और इस मुकाबले पर भारत की क्या संभावनाएं हैं, भारत क्यों जीत सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं पूर्व कोच लालचंद राजपूत जी। राजपूत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विजय। जी, जैसा कि आपसे कई बार बातचीत हुई पहले भी और अब आज फिर से हो रही है, आपको बड़ी उम्मीद रही है इंडिया के जीतने की, तो इसलिए मैं इसी पर जाऊंगा कि वो कौन से कारण हैं, आपको क्यों लगता है कि भारत ये मुकाबला जीत। पहले आप बताइए कि भारत में वो बैटिंग की क्या संभावनाएं हैं। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि हम अब दोबारा फाइनल खेल रहे हैं। लास्ट जब हम फाइनल खेले इंग्लैंड में हम हार गए थे, लेकिन अब हम मेंटली वेल प्रिपेयर्ड है। ठीक, हमारे टीम की जो बैटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अब जब आईपीएल जब खत्म हुआ है, मैं ऐसे पांच कारण दूंगा जो कि हम ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत सकते हैं। सबसे पहले शुभमन गिल का फॉर्म में होना। जिस तरह से शुभमन गिल बैटिंग कर रहे हैं, आई थिंक वो पर्पल पैच में है, और उसका रन करना, बड़े स्कोर होना बहुत जरूरी है इंडियन टीम के लिए। और जब ओपनर अच्छा स्टार्ट देते हैं तो डेफिनेटली टीम का स्कोर अच्छा होता है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा, दूसरा कारण है विराट कोहली फॉर्म में आना। आपने देखा होगा इस टाइम आईपीएल में विराट कोहली ने लगातार 200 बनाए हैं और बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है। तो और विराट कोहली फॉर्म में आना इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। तीसरा कारण मैं तो ये कहूँगा कि हमारे फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी जिस तरह से बोलिंग डाले हैं आईपीएल में, और पर्पल कैप में तो कहूँगा कि बेहतरीन बॉलिंग डाल रहे हैं। और बॉलर का एक कॉन्फिडेंस होता है, जब आप विकेट लेते हैं तो वो कॉन्फिडेंस से अगर टेस्ट चैंपियनशिप में जाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत फर्क पड़ेगा। और तीसरी बात है, चौथी बात है कि मोहम्मद सिराज, जिस तरह से मोहम्मद सिराज बॉलिंग डाल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब हम कहते हैं ना बॉलर्स हंट इन पेयर्स, तो फास्ट बॉलर्स हंट इन पेयर्स मोहम्मद शमी और सिराज, ये दो बहुत ही बढ़िया फास्ट बॉलर्स है जो कि टैंडम दोनों अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं। एक एंड से प्रेशर करते हैं और दूसरे एंड से प्रेशर डालते हैं, तो फिर विकेट लेने के लिए काफी आसानी होती है। और मुझे लगता है कि ये एक कारण है कि सिराज और शमी दोनों भी फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। पांचवा कारण मैं तो ये कहूंगा कि पुजारा इंग्लैंड में खेल रहे हैं काफी महीनों से और बड़ा लगातार रन कर रहे हैं। जैसे उसने 200 बनाया, 100 किए, और मुझे लगता है कि इंग्लिश कंडीशन से वो काफी अच्छे तालुकात हो गए हैं। और जब वो रन कर रहे हैं तो टेस्ट चैंपियनशिप में डेफिनेटली उसका फायदा होगा। और जैसे मैंने कहा कि पुजारा एक लंबी रेस का घोड़ा, जैसे हम कहते हैं ना कि लंबी स्कोर करते हैं, जब वो सेट होते हैं तो वो 40-50 में आउट नहीं होते हैं और दिन भर बैटिंग करते हैं। और टेस्ट मैच में वही चाहिए कि एक आदमी आपका एंकर हो, और वो एंकर है पुजारा। तो ये पांच चीजें मुझे लगता है कि यस, इंडिया के फेवर में है। और एक चीज मैं आपको ऐड करता हूं जो कि हमारे फेवर में हो सकता है, वो है छठी चीज, जैसे कि जॉस हेजलवुड। ये एक बहुत ही अच्छी बॉलर है और जब इंग्लैंड के कंडीशन में काफी अच्छा बॉलिंग डालते हैं। और आपने देखा होगा जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, जब हम लोग ने 37-39 में ऑल आउट किया था, हेजलवुड का बहुत बड़ा हार था, और वो अब चोटिल हो गए हैं, तो वो एक जो वैक्यूम है उनका, जो थर्ड बॉलर फास्ट बॉलर का, आई थिंक वो हमें भी फायदेमंद होगा। तो मुझे लगता है कि ये पांच छह चीजें हैं जो कि इंडियन टीम के लिए अच्छी तरह से हम ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत सकते हैं। लालचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा कि आईपीएल 2023 में आपके प्रिडिक्शन ज्यादातर सही रहे, इस बार भी ये प्रिडिक्शन आपका सही होगा, टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बने, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।